नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। अब इस मामले में पुलिस ने कुल 5 गिरफ्तारी की है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को 5 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद रफीक चौधरी है। सूत्रों के मुताबिक इसी ने सलमान के घर की रैकी करने में शूटरों की मदद की थी, साथ ही उनके लिए पैसा भी जुटाया था। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को राजस्थान से मुंबई लेकर आ रही है। यहां उसे किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस 5 की कस्टडी की मांग कर सकती है। इससे पहले 25 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने पंजाब से सुभाष चंद्र और अनुज थापन को अरेस्ट किया था। वहीं 15 अप्रैल को गुजरात से 2 आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया था। विक्की और सागर ने ही सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी। 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर सुबह 5 फायरिंग हुई थी। 2 बाइक से आए हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए। उस समय सलमान घर में ही थे। 1 मई को गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अनुज के सुसाइड की जांच राज्य की CID को सौंपी गई है। हालांकि थापन के भाई अभिषेक ने दावा किया है कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है, वो ऐसा नहीं था जो आत्महत्या करे। मामले में मृतक के पैतृक गांव के सरपंच मनोज गोदरा ने न्यूज एजेंसी से बात की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सुपरस्टार सलमान खान है और दूसरी तरफ मजदूर है, दबाव में आकर पुलिस ने उसे मार डाला और आत्महत्या का रूप दे दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 25 अप्रैल को अनुज सुभाष चंद्र को पंजाब से पकड़ा था। दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे। दोनों कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।